देखिए स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, इफ वी आर ईटिंग फूड वी शुड थैंक द फार्मर, किसान अन्नदाता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या सुनते हैं, किसान खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, एंटी नेशनल है, रोड पे उर्धंग मचाया हुआ है। किसने हमें इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया है, इन घटिया काले कानूनों ने? किसान किसके लिए लड़ रहे हैं? अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्या लड़ रहे हैं? तीन काले कानूनों में क्या किया है ऐसा सरकार ने कि किसानों को इतना बुरा हाल हो रहा है? पहली बात, ये जो लॉज हैं ये अपने हम दो हमारे दो के लिए किए गए हैं। इन लॉज में अदानी अंबानी जो उद्योगपति हैं उनके लिए ये फैसिलिटेट किया है। पहली चीज, ट्रेड एंड कॉमर्स में जो चेंजेस किए हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने किसानों को फ्री कर दिया है, आप इंटर स्टेट या इंटर स्टेट कहीं पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये गलत है, किसान पहले भी फ्री था। जो इनके उद्योगपति हैं इनको अब फार्म्स में, इनको अब एपीएमसी जो मंडी सिस्टम है उसमें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इन्होंने चेंज किया है कि आप प्रोक्योरमेंट एंड सर्विस एक्ट जो इन्होंने कहा है कि आपको प्राइस एश्योरेंस मिलेगी, वो एकदम गलत है। क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई उद्योगपति और किसी फार्मर के बीच में होगा, क्या फार्मर को इतनी नॉलेज होगी कि वो पढ़ पाएगा उसका मतलब क्या है? कौन सी इनको अथॉरिटी सपोर्ट करेगी? दूसरी चीज इन्होंने चेंज कर दी है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, और अब आपको जाना होगा एसडीएम कोर्ट में। आपने एसडीएम देखा क्या बोलता है हरियाणा में, किसानों का सर फोड़ दो? क्या आप ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? तीसरा इन्होंने इसमें लेकर आए हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनको हटा दिया है और उनको सिर्फ आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, चाहे वो वॉर हो या कहीं सूखा पड़े, तभी आप उसको लागू कर सकते हैं। और जो आपके फार्मर्स हैं वो अपने जो उनको सेल करना है वो उनको एकदम सेल करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरेज के लिए इनके बड़े उद्योगपतियों के लिए कैपेसिटी बढ़ा दी है। जब स्टोरेज के लिए कैपेसिटी बढ़ाएंगे, होर्डिंग होगी और प्राइसेस अपने तरीके से एडजस्ट किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आलू नहीं आता है एमएसपी से कवर्ड, इन्होंने किसी में एमएसपी रखी नहीं, क्योंकि एमएसपी रखेंगे तो ये लॉज एकदम नल एंड वॉइड हो जाएंगे। उन्होंने दो रुपए आलू की वजह से उनको वो बेचना पड़ा, और उनको जब रेट नहीं मिला तो उनको वो सड़क पे फेंकना पड़ा। मेरा बस यही है कि किसान हमारा अन्नदाता है, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद।